सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अपना डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स 1 के एमसीक्यू, जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। देखिए, पूछ रहे हैं आपसे कि कंटेनर जो कि बने होते हैं स्टोर करने के लिए इंजेक्टेबल्स, वो इनमें से किस टाइप के ग्लास के बने होते हैं। देखिए, ऑप्शन में है टाइप 1 एंड टाइप 2 ग्लास, लाइम सोडा ग्लास, ओनली टाइप 2 ग्लास या न्यूट्रल ग्लास। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। देखिए, टाइप 1 एंड टाइप 2 ग्लास, ये दोनों ही ग्लास जो होते हैं इनके बने होते हैं इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स के कंटेनर्स इस तरह के होते हैं। देखिए, इंजेक्टेबल्स के कंटेनर जो होते हैं। अब देखिए, ये न्यूट्रल ग्लास जो है इसको टाइप 1 ग्लास भी कहा जाता है। तो देखिए, इसमें भी कभी कभार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि दूसरा नाम क्या होता है किसी ग्लास का। जैसे मान लीजिए टाइप 1 ग्लास का दूसरा नाम क्या है, तो उसको न्यूट्रल ग्लास भी कहा जाता है। फिर क्या होता है, देखिए टाइप 1 ग्लास बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, बोरोसिलिकेट का बना होता है ये ग्लास जो है ये जाना जाता है अपनी गुड केमिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी के लिए। मीन्स इस पर किसी भी तरह का केमिकल अटैक जो है वो नहीं होता है, वो बहुत कम होता है। और इसमें इसकी वजह से क्या होता है, ये लीस्ट रिएक्टिव कंटेनर होता है। मतलब क्या होता है लीस्ट रिएक्टिव का, कि इसके अंदर जो भी फिलिंग प्रेजेंट है, जो भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसी वजह से क्या होता है इंजेक्टेबल्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टरलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको सावधानी रखी जाती है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। तो इस तरह का कंटेनर यूज़ किया जाता है जो कि सबसे कम रिएक्टिव कंटेनर हो। टाइप 2 में भी ऐसा ही होता है। देखिए, टाइप 2 में क्या होता है कि इसकी इंटरनल सरफेस जो होता है इन तरह के कंटेनर्स का, उसमें ट्रीटमेंट उसको की जाती है, उसको एक तरह से ट्रीट किया जाता है जिसे कि आयन एक्सचेंज ना करे। मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें किसी तरह की वो लीकिंग ना करे अपने ग्लास की। तो इस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। और ये कैटेगरी भी देखिए सूटेबल होती है इंट्रावीनस सॉल्यूशंस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इसमें ऑप्शन होगा टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों ही यूज़ किए जाते हैं इंजेक्टेबल्स के लिए। ना देखिए, एयर टाइट सील कंटेनर को यूज़ किया जाता है इनमें से किस तरह के प्रिपरेशन के लिए, लिक्विड प्रिपरेशंस के लिए, कैप्सूल्स, टैबलेट्स या इंजेक्टेबल। आंसर है इसको ऑप्शन डी, इंजेक्टेबल्स के लिए यूज़ किया जाता है एयर टाइट सील्ड कंटेनर। तो देखिए, सारी ही प्रिपरेशन जो होती हैं उनमें क्या होता है, उनको एयर से और मॉइस्चर से तो बचाना होता ही है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंजेक्टेबल्स के केस में, क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो जाए किसी तरह की, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाना होता है इनको, और अपने डायरेक्टली फ्लूड स्ट्रीम में अपने हमारी बॉडी की जो डायरेक्टली जो फ्लूड स्ट्रीम होती है, लिम्फ हो गए, ब्लड हो गए, उसमें जाने होते हैं इंजेक्टेबल्स। तो इसको बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ इसको हैंडल किया जाता है। तो ग्लास कंटेनर जो होते हैं, देखिए जो इंजेक्टेबल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो उनमें एम्प्यूल्स आते हैं, वायल्स आते हैं, बॉटल्स आते हैं। एम्प्यूल क्या होते हैं, देखिए सिंगल डोज कंटेनर्स होते हैं, एक ही बार इसकी डोज दे दी जाती है। जैसे आपने टिटनेस के इंजेक्शन देखे होंगे कि एक ही बार डोज देके ख़त्म होता है। वायल्स होते हैं जिसमें से मल्टीपल डोज दी जाती है, बार बार पेशेंट डोज ले सकता है। जैसे जो इंसुलिन्स होती हैं डायबिटीज़ की, वो वायल्स के फॉर्म में आते हैं। एंड बॉटल्स होती हैं जो कि ग्लास कंटेनर, जो फ्लूड्स होते हैं आईवी फ्लूड्स, उनको भी दिया जाता है इसके ग्लास कंटेनर्स के थ्रू। तो इस तरह के होते हैं देखिए ग्लास कंटेनर इंजेक्टेबल्स के। एयर टाइट कंटेनर क्या होते हैं, ये ऐसे कंटेनर होते हैं जो कि इम्परमेबल, मतलब ये अलाउ नहीं करते किसी भी तरह के सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को अंदर आने के लिए। इनकी जब इनको हैंडल किया जाता है, स्टोर किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो किसी भी समय क्या होते हैं ये कंटेनर इतने अच्छे से सील्ड होते हैं, एयर टाइट सील्ड होते हैं, कि किसी भी तरह का कोई भी पार्टिकल जो है इनमें एंटर नहीं कर सकता। देखिए, हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ग्लास में। इनमें से क्या फाइंड आउट करने के लिए, ग्लास की क्वालिटी फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी अल्कली मटेरियल जो है वो लीक आउट करता है प्रिपरेशन में, ग्लास की मैकेनिकल स्ट्रेंथ या नन ऑफ द अबव। आंसर इसका ऑप्शन बी। तो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ग्लास में लिमिट करने के लिए अल्कालिनिटी जो कि वो लिबरेट करता है प्रोडक्ट में उसके लिए। इसमें क्या किया जाता है, देखिए जैसे आपको पता होगा कि जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं, जो भी कंटेनर हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के लिए, तो वो लीस्ट रिएक्टिव होने चाहिए, वो रिएक्ट नहीं करने चाहिए जो अंदर प्रिपरेशन प्रेजेंट होती है। तो इस तरह के टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं ताकि हमें पता चले कि वो सेफ है भी या नहीं यूज़ करने के लिए एज अ कंटेनर। इसमें क्या, इस टेस्ट में क्या किया जाता है रेजिस्टेंट टेस्ट में, इसमें देखिए इस तरह का ग्लास कंटेनर है, इसको फिल किया जाता है वाटर से, एंड देन इसको फिर इसको हीट किया जाता है। देखिए, हीट किया जाता है ग्लास को, फिर 121 डिग्री
डिग्री सेल्सियस पे, और फिर देखा जाता है कि कितना वो मटेरियल जो है, कितना अल्कालिनिटी जो है वो रिलीज़ कर रहा है प्रिपरेशन में. तो यहाँ देखिए रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितना केमिकल अटैक कर सकता है वो प्रिपरेशन में, कितनी अल्कली रिलीज़ कर सकता है. तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के लिए ये हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है. देखिए कोलैप्सिबल ट्यूब जो कि लेड से बनी होती थी, उनको क्यों नहीं यूज़ किया जाता है अब फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में. देखिए ऑप्शन में ही आपका आंसर, क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, रिस्क ऑफ लेड पॉइजनिंग की वजह से इसको नहीं यूज़ किया जाता. इन्फीरियर मेटल की वजह से लेड, क्योंकि लेड इन्फीरियर मेटल है, इस वजह से नहीं यूज़ किया जाता. सॉफ्ट इन नेचर, नॉट गुड इन अपेयरेंस. तो आंसर इसका देखिए ऑप्शन ए, रिस्क ऑफ लेड पॉइजनिंग, क्योंकि देखिए जो कोलैप्सिबल ट्यूब्स हैं पहले होता था ये कि उनको लेड का बनाया जाता था. तो क्या होता था कि ये लेड जो है ये धीरे धीरे लीक होने लगती थी, अंदर की प्रिपरेशन में पहुंचने लगती थी, और जब भी इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता था तो रिस्क होता था लेड पॉइजनिंग का. लेड पॉइजनिंग होना भी अच्छा नहीं होता है. तो उस वजह से क्या है कि अब इस तरह की कोलैप्सिबल ट्यूब जो कि लेड की बनी होती है, अब उनको नहीं यूज़ किया जाता है. यहाँ देखिए कोलैप्सिबल ट्यूब्स क्या होती है, ये कोलैप्सिबल पैकेजिंग होती है जिनको अलग अलग विस्कस प्रिपरेशन, जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं आप कह सकते हैं, उनके लिए किया जाता है, जैसे टूथपेस्ट, पेंट्स के लिए, एडहेसिव्स के लिए, ऑइंटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है इसको फार्मेसी में बहुत ज़्यादा. तो देखिए पहले यहाँ पर बताया गया, पहले इनको बनाया जाता था टिन, जिंक एंड लेड से, और इसका क्या किया जाता था, इंटरनल सरफेस जो है इसको वैक्स से कोट किया जाता था. बट नाउअडेज लेड की कोलैप्सिबल ट्यूब नहीं यूज़ की जाती. ना देखिए बॉल मिल इनमें से किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, इम्पैक्ट एट्रिशन या क्रशिंग. आंसर है इसका ऑप्शन ए, बॉल मिल जो है ये वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन. इस तरह की देखिए बॉल मिल होती है, यहाँ पर बॉल्स होती हैं और ये जो मटेरियल जिसको पाउडर करना है वो रखा जाता है, और फिर ये देखिए रोटेट होती है इस तरह से. देखिए इसकी यहाँ पर इस तरह से दिखाया है, ये मटेरियल रखा है, यहाँ पर ये बॉल्स होती हैं और इस तरह से रोटेट होती है रोल ड्राइविंग रोलर्स के थ्रू, जिससे क्या होता है कि ग्राइंडिंग हो जाती है. देखिए ग्राइंड करते हैं बल्क मटेरियल को इनटू नैनो साइज पार्टिकल्स में, ये ग्राइंड कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े जो मटेरियल होते हैं उनको बहुत ही छोटे छोटे साइज में ये ग्राइंड कर देते हैं. तो ये जो है इम्पैक्ट एंड न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ, देखिए इम्पैक्ट तो होता है जब एक बॉल, जैसे जब ये घूम रही है जब इस तरह से, तो एक बॉल जो है वो दूसरी बॉल को स्ट्राइक करती रहती है और उनके उसकी वजह से क्या होता है, जो भी मटेरियल उनके बीच में आता है वो क्रश होता रहता है, इसको कहते हैं इम्पैक्ट. न्यूट्रिशन क्या है कि देखिए बॉल जो है ये क्योंकि ये मूव कर रहा है, तो बॉल है ये, इसके रोलर ये जो ये कैबिनेट है इसके सरफेस पे भी स्ट्राइक कर रही है, तो बॉल और इसके सरफेस के बीच में जो मटेरियल आ रहा है वो भी क्रश हो रहा है, तो ये एट्रिशन की वजह से हो रहा है. तो इम्पैक्ट किसकी वजह से हुआ, जब एक बॉल दूसरी बॉल को स्ट्राइक कर रही है, इम्पैक्ट की वजह से साइज रिडक्शन हुआ. जब एक बॉल कंटेनर ये जो वेसल है इसकी वॉल पे स्ट्राइक कर रही है, उसके बीच का मटेरियल जो ग्राइंड हो रहा है वो एट्रिशन की वजह से हुआ. तो ये पूरा ही क्या होता है, ग्राइंडिंग अचीव की जाती है, दैट इज वाई इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों ही रोल प्ले करते हैं इनकी ग्राइंडिंग में. फिर देखिए इसमें आपसे पूछा है कि कितना साइज रिडक्शन होगा किसी मटेरियल का मशीन में, वो इसमें से किस चीज़ में डिपेंड, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, केमिकल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है जो हम फिलिंग यूज़ कर रहे हैं उसकी, बल्क डेंसिटी ऑफ द फिलिंग पे डिपेंड करता है, फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द फिलिंग एंड मटेरियल स्ट्रक्चर. तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है आपसे पूछा है, आंसर है इसका ऑप्शन बी, बल्क डेंसिटी पे डिपेंड करता है. देखिए क्या आउटपुट होगा, किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा हमको इस मशीन के थ्रू. बल्क डेंसिटी क्या होती है, देखिए जो भी फिलिंग की जाती है किसी भी तरह के इक्विपमेंट में साइज रिडक्शन के समय, तो वो उसका एक प्रॉपर बैच होता है, कितना बहुत सारा मटेरियल जो है एक साथ नहीं डाला जाता है, उनको छोटे छोटे बैच में डिवाइड किया जाता है और फिर इसमें फिल किया जाता है, क्योंकि हर मशीन की अपनी एक अलग कैपेसिटी होती है. तो कितना बल्क डालना है वो पहले एडजस्ट किया जाता है, उसको मशीन के थ्रू भेजा जाता है और फिर प्रोडक्ट को अचीव किया जाता है. दैट इज़ वाई आपने देखा होगा कि बैचेस में होते हैं साइज रिडक्शन जो होते हैं वो भी. तो दैट इज़ वाई इसका आंसर हुआ बल्क डेंसिटी. साइज रिडक्शन आपको पता ही होगा एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो लार्ज सॉलिड मासेस होते हैं उनको क्रश किया जाता है स्मॉल यूनिट मासेस में या फाइन पाउडर के फॉर्म में उनको क्रश किया जाता है.
फिर देखिए रोलर मिल इनमें से किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इम्पैक्ट एट्रिशन कंप्रेशन या कंप्रेशन एंड एट्रिशन, आंसर है इसका ऑप्शन डी। रोलर मिल वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन एंड एट्रिशन, इस तरह की होती है। देखिए रोलर मिल यहाँ से फीड जाती है, ये दो रोलर्स होते हैं जिनकी स्पीड जो है देखिए कंट्रोल की जाती है। रोलर गैप, ये यहाँ पर रोलर गैप एडजस्टमेंट होती है। ये सेंसर्स होते हैं, यहाँ से देखिए मटेरियल आता है और यहाँ इसके बीच में क्रश होके फिर यहाँ से फाइन मटेरियल जो फाइन पाउडर जो है वो कलेक्ट किया जाता है। अब किस तरह की होती है, देखिए सिलेंड्रिकल, ये रोलर जो है ये सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। और फिर क्या होता है, देखिए किस तरह से बोला गया है कि कंप्रेशन एंड एट्रिशन, क्योंकि जब ये रोलर जो है देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जब इनके बीच में फीड आती है तो ये उसको एक तरह से कंप्रेस कर देते हैं, क्योंकि ये देखिए बहुत ज़्यादा गैप दिखाया गया है बट इतना गैप नहीं होता है, बहुत ही कम गैप होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये फीड को कंप्रेस कर देते हैं। और दूसरा एट्रिशन भी लग रहा है क्योंकि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं तो कंप्रेस भी कर रहे हैं और एट्रिशन भी हो रहा है, इसकी वजह से हमें यहाँ फाइन पाउडर जो है वो मिल जाता है, दैट इज वाई ये वर्क। और ये देखिए रोलर में जो है ये सस्पेंशन पेस्ट एंड ऑइंटमेंट्स के साइज रिडक्शन के लिए यूज की जाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। फिर पूछा था कि इसमें से कौन सी ऐसी मिल है जिसमें किसी तरह का वियर नहीं होता, किसी तरह का मतलब वियर का मतलब क्या है कि कोई मशीन का कोई पार्ट जो है वो प्रोडक्ट में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उसमें है फ्लूड एनर्जी मिल, बॉल मिल, एज रनर मिल, रोलर मिल, आंसर है इसका ऑप्शन ए। फ्लूड एनर्जी मिल में देखिए बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कोई भी मटेरियल जो है मशीन का वो प्रोडक्ट में आए, देखिए क्योंकि इसकी इसकी ये फंक्शन ही इस तरह से करता है, इसकी इसका ऑपरेशन ही इस तरह से किया जाता है। यहाँ से देखिए सॉलिड इनलेट मतलब यहाँ से जो भी प्रोडक्ट है जिसको हमें फाइन करना है उसको इनलेट किया जाता है। यहाँ से देखिए फ्लू, यहाँ से जो एयर है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, इस तरह का ये टर्बुलेंस जोन होता है, फॉर्म हो जाता है यहाँ पर इस पूरे ही वेसल में। फिर देखिए ये ऊपर की तरफ जाते हैं पार्टिकल, जहाँ से क्या होता है जो कोर्स पार्टिकल होते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है तो कोर्स पार्टिकल ये वो इसकी जो ये पूरी ही मशीन है इसकी वॉल्स की तरफ थ्रो कर दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, जबकि फाइन पाउडर जो है उनको यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है क्लासिफायर, जो कि रिमूव करते हैं फाइन पार्टिकल्स को। तो इस तरह से इसकी पूरी ही प्रोसेस होती है, जहाँ पर वियरिंग के चांस, जहाँ पर किसी मशीन का कोई पार्ट प्रोडक्ट में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये देखिए ऑपरेट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। फिर से इम्पैक्ट क्या होता है, जब दो दो प्रोडक्ट जो है आपस में एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, दो चीज़ें जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि पार्टिकल आपस में एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहे हैं, जो ये सॉलिड इनलेट के थ्रू भेजे गए हैं पार्टिकल्स, तो उनके थ्रू क्या हो रहा है कि आपस में वो स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा वो उसी से उनका साइज रिडक्शन हो जा रहा है। एंड एट्रिशन क्या है कि ये पार्टिकल जो है ये देखिए इस तरह की ये जो मशीन का सरफेस है उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो एट्रिशन की वजह से क्या हो रहा है कि उनका साइज रिडक्शन हो जा रहा है। फिर क्या है, देखिए दूसरी मिल अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए बॉल मिल में क्या होता है कि ये जो बॉल्स हैं ये स्ट्राइक करती रहती हैं बार बार इस तरह के ये जो वेसल होता है इसमें, तो इसमें वियरिंग के चांसेस होते हैं कि ये जो मशीन है इसके कुछ पार्ट जो है प्रोडक्ट में आ जाएं। फिर ये क्या होती है, देखिए ये एज रनर मिल होती है, इसमें भी ऐसे ही होता है, यहाँ मटेरियल होता है ये जो रोलर्स होते हैं वो होते हैं, तो जब ये मूव करते हैं तो चांसेस होते हैं कि रोलर के कुछ पार्ट जो है मशीन का वो मटेरियल में आ जाए। और यहाँ पर ये देखिए रोलर मिल हमने देखा ही था कि दो रोलर्स के बीच में से प्रोडक्ट आता है, तो इसमें भी चांसेस होते हैं कि कुछ रोलर के पार्ट्स जो हैं वो मटेरियल में आ जाए, बट सिर्फ और सिर्फ फ्लूड एनर्जी मिल ऐसी मिल होती है जिसमें किसी तरह के रोलर्स का यूज़ नहीं किया जाता, दैट इज़ वाई जो वियरिंग के चांसेज होते हैं तो टूटने के चांसेज होते हैं बहुत ही कम होते हैं। फिर देखिए पूछा है आपसे कि एफिकेसी मतलब कितने अच्छे से बॉल मिल काम करती है, कितना अच्छा फाइन वो प्रोडक्ट देती है, वो मैक्सिमम होती है उसकी एफिकेसी इस पे से किस स्पीड पे, लो स्पीड पे, 2/3 ऑफ द स्पीड पे, हाई स्पीड पे या वेरी हाई स्पीड पे, आंसर इसका ऑप्शन बी 2/3 ऑफ द स्पीड जब होती है बॉल मिल की तब उस स्पीड पे वो सबसे अच्छा काम करती है, सबसे अच्छा साइज रिडक्शन करती है आप कह सकते हैं। तो देखिए ये अलग अलग आपको दिखाया गया है कि अलग अलग स्पीड पे किस तरह से वो काम बॉल मिल काम करती है। देखिए ये क्रिटिकल स्पीड है जहाँ पर किसी तरह की कोई भी ग्राइंडिंग नहीं हो रही है, फिर जैसे धीरे धीरे स्पीड बढ़ती रहती है तो ये देखिए ये वाली स्पीड जो होती है 50-70% की स्पीड, इस स्पीड पे मॉल में जो है अपना सबसे अच्छा फंक्शन जो है वो शो करती है आप कह सकते हैं अपनी 2/3 स्पीड पे। जैसे जैसे स्पीड जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है वैसे क्या होता है कि वो एक तरह का फ्लेक्स बने लगता है, जो पार्टिकल रिड्यूस हुए हैं वो एक तरह से आपस में ज्वाइन हो गए, एक तरह से फ्लेक्स बनाने लगते हैं, पपड़ियाँ बनाने लगते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं काम होता।
और 100% स्पीड पे, तो देखिए इस तरह से जो पूरी बॉल्स हैं वो ऐसे वॉल्स की तरफ चली जाती हैं, तो किसी भी तरह का नो मिलिंग, किसी भी तरह की कोई मिलिंग नहीं हो पाती है। तो मैक्सिमम मिलिंग जो है वो यहाँ होती है, देखिए 50-70% ऑफ द स्पीड पे, 2/3 ऑफ द स्पीड पे। फिर देखिए पूछे आपसे, सल्फर ग्लास को प्रिपेयर किया जाता है सोडा ग्लास से, सोडा ग्लास को इनमें से किस एजेंट के साथ ट्रीट करके, ऑप्शन में दिए गए हैं, देखिए सल्फर के साथ ट्रीट किया जाता है, सोडियम सल्फाइड के साथ, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड के साथ, या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है सोडा ग्लास को सल्फर ग्लास प्रिपेयर करने के लिए। सल्फर ग्लास क्या होता है, देखिए आपको बताया गया इस तरह के दिखते हैं, देखिए जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास होते हैं जो कि बेस्ट होते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनको ऑटोक्लेव के लिए भेजा जाता है, तो उन प्रोडक्ट्स के लिए इस तरह के ग्लास कंटेनर्स को यूज़ किया जाता है। सोडा ग्लास सरफेस जो है, देखिए इसमें दिखाया गया, बताया गया आपको, उसको ट्रीट किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ या अमोनियम सल्फेट के साथ भी ट्रीट किया जाता है, और उसके थ्रू बनाया जाता है सल्फरेटेड ग्लास। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स 1 के MCQ, जिसमें हम MCQ कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11-20 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।